कॉलेज जा रहा वीरे, मैं नहीं आ सकता यार, दोस्ती का वास्ता की यार, मैं नहीं आ सकता यार, मोटर से कम है मेनू। चल वीरे आना, मैं आना आ गया वीरे। ओ जैनू अन बंदे आना बैणी उठनी चौड़ बाजियां तो लैमिनेट गबरू, ओ जेंटल जे लुक ते करी मुडुलदी ता भी बहुत चकदा ना रेट गबरू, ओ जेंटल जे लुक ते करी मुडुलदी ता भी बहुत चकदा ना रेट गबरू। ओ कच्चे पिल्ले शांडी लाके बार कड्डते पाछा वाला बढ़ता ही हिक तानदा, नी मिल तेरे ना कराइया दिल दिया पावरा यारा नो बयान ना कीता जिंद जान दा। और भाई जी की मैं आवी संड की हाल है बढ़िया वीरे, ला फिर तेन काम भी दसा ना वीरे। एक मन कर, मन 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 एक बार देख चला तक्का कर। अरे कुछ बने भी है, मौसम भी नहीं बनया। बापू क्लास च बैठे हैं, ठीक है वीरे मैं चलता यार हूं। ठीक है बापू का फोन आया, लै सेट जदों कल फोन करूंगा तो एक बार आ जी। ठीक है ठीक है, एक बार जरूर आना है। कोई गल नहीं वीरे, पक्का पक्का पक्का। चंगा फिर, चंगा सिर। ठीक है वीरे, ये मुंडा कित्थों सी? नाल दे पिंड दे सरपंचा दा मुंडा है, वधिया करो है, एक दो वारी पैसा दा सवाल पाया सी मैं इहनू। आपां इहनू कोई वधिया नशे ते लाउणा है, नाले अपना भी चलदा रहू। सही गल है, Thank you.
जल्दी करो यार साढ़े को टाइम नहीं ले अभी माल दिखाओ माल ठीक है हां बढ़िया माल है मौसम बड़ा होगा भाई यार साढ़े दो नंबर का काम है इतना टाइम नहीं है क्या साढ़े को भाई जल्दी करो यार कोई गल नहीं धन्यवाद भाई पैसे दे भी मुंडे पैसे देना मैं भी दे पैसे बहुत नहीं भी चल ठीक है कोई ना फिर कर लेंगे ओके भाई ठीक है सुन चंगा ओके भाई ठीक है ओके भाई ਲੈ ਵੀ ਸੱਡਾ ਨਾ ਵੀਰੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪੀਣਾ ਇਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖ ਐ ਵੀ ਸੱਡਾ ਨਾ ਵੀਰੇ ਬਸ ਲੈ ਉਹ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਹ ਲਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀਰੇ ਯਾਰ ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੇਖ ਤੂੰ ਸਿਰਕ ਦਾ ਝੂਠਾ ਲਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਕਿੰਨਾ ਮਾੜਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰ ਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਤ ਲੈ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਤ ਬਣਾ ਲਈ ਵੀਰੇ ਵੀਰੇ ਅਲੇ ਵੀਰੇ ਨਾ ਵੀਰੇ ਲੈ 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 ਚੱਲ ਫੜਾ ਦੋ ਯਾਰ ਨਾਰੇ ਲਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ ਤੇ ਮੈਂ ਚਿੱਟਾ ਲਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ ਤੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਂਦੀ ਰਹੀ ਓਏ ਹੋਏ ਦੁੱਖ ਹੰਡਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਤੂੰ ਨਾਰੇ ਲਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ ਤੇ ਮੈਂ ਚਿੱਟਾ ਲਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ ਤੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਂਦੀ ਰਹੀ ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ ਤੇ ਮੈਂ ਦੁੱਖ ਹੰਡਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਪੈਸੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਮੈਨੂੰ ਯਾਰ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਬਸ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਨਾ ਕੁਝ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਾਪੂ ਵਾਲਾ ਬਟੂਆ ਚੱਕ ਮੰਗਾ ਲਾ ਜਲਦੀ ਮੰਗਾ ਲਾ ਵੀਰੇ ਹੈਲੋ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਵੀਰ ਵਧੀਆ ਬਾਈ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਅੱਛਾ ਯਾਰ ਅਰਜੈਂਟ ਸਮਾਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਹੁਣੀ ਕੋਈ ਨਾ ਬਾਈ ਮਿਲ ਜੂ ਅੱਛਾ ਐਂ ਕਰ ਅੱਜ 5 ਗ੍ਰਾਮ ਇਕੱਠਾ ਹੀ ਦੇ ਜਾ ਕੋਈ ਨਾ ਪੇਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਬਾਈ ਪੇਮੈਂਟ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜੂ ਛੇਤੀ ਆ ਜਾ ਬਸ ਠੀਕ ਆ ਬਾਈ ਬਸ ਆ ਗਏ 5 ਮਿੰਟ ਮਾਲ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਾਈ ਅੱਜ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਜ਼ ਰੋਜ਼ ਪੈਸੇ ਮੰਗੇ ਜਾਂਦੇ ਬਾਪੂ ਤੋਂ ਬਾਈ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਯਾਰ ਅੱਜ ਤਾਂ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਮੈਂ ਤਾਂ ਖਤਮ ਆ ਬਾਈ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਪੂ ਤੋਂ ਰੋਜ਼ ਰੋਜ਼ ਕਲੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਛਿੜਦਾ ਬਾਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਅੱਜ ਹੀਲਾ ਕਰ ਦਿਓ ਯਾਰ ਚੱਲ
ਤੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਕਿਉਂ ਗਿਆ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਮੋਟਰ ਤੇ ਬੈਠ ਗਿਆ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਮੋਟਰ ਤੇ ਬੈਠ ਗਿਆ ਚੱਲ ਫਿਰ ਆ ਜਾ ਪੁੱਤ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕੋ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਮਾਰਤਾ ਹੋਇਆ ਪੁੱਤ ਮਾਰਤਾ ਉਹ ਨਿਸ਼ੇ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਮੋਟਿਵ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਖਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਗਲਤ ਸੰਗਤ 'ਚ ਪੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਖਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਨਸ਼ੇ 'ਤੇ ਖਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਗਲਤ ਸੰਗਤ 'ਚ ਨਾ ਜਾਣ ਦਿਓ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਦਾ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਜੇ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਔਰ ਬੈਲ ਆਈਕੋਨ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਵੀ ਕਰ ਦਿਓ नेशनल मेरिट काउंसिल जो कि पूरे देश में अपना कार्य कर रही है इसी कड़ी को लेकर पंजाब और हरियाणा के सीमावर्ती इलाके में नशे का जो प्रचलन है बड़े भयंकर तरीके से फैला हुआ है इसी को लेकर हमने एक मुहिम पिछले कुछ महीनों में चला रखी है पंजाब और हरियाणा के अंदर जो कि हमारे कार्यकर्ता गाँव-गाँव और शहर शहर में पुलिस प्रशासन के सहयोग से एक इश्तेहार पब्लिक कर रही है फ्लैक्स लगा रही है और लोगों को एक जागरूक अभियान चलाया हुआ है ताकि लोगों को इस बीमारी से दूर किया जा सके इसी कड़ी को लेकर हमारे पास कुछ युवा आए युवा ने हमें एक बताया कि हम एक फिल्म बनाना चाहते हैं ताकि ये नौजवान पीढ़ी उस फिल्म को देखकर प्रेरित होकर आगे बढ़े और इस नामुराद बीमारी को छोड़ सके हमने उस युवा को साथ लिया और साथ लेकर इस फिल्म को उन युवाओं ने तैयार किया और तैयार करने के बाद में आज फिल्म वो पूरी तरह तैयार हो गई है और हम इस फिल्म को लेकर पूरे गांव और शहर के अंदर जहां जहां भी कॉलेज हैं स्कूल हैं वहां दिखाई जाएगी ताकि लोग इसको लेकर जागरूक हों और इस नशे जैसी बीमारी को जड़ से ख़त्म किया जा सके इस सहयोग इसमें हमारे साथ पंजाब पुलिस पूरा सहयोग कर रही है और हरियाणा की पुलिस भी हमारे साथ है लोगों का पूरा सहयोग है प्रशासन हमारे साथ कार्य कर रहा है और मैं मानव अधिकार काउंसिल की तरफ से सभी समाजसेवी संगठनों को और सभी लोगों को आह्वान करता हूँ कि इस मुहिम में हमारे साथ जुड़े ताकि पिछले कुछ अरसे से पंजाब के अंदर हर एक परिवार में कहीं ना कहीं कि कुछ युवाओं की मौत हो चुकी है जिससे बड़ी ही दर्दनाक हादसा हुआ है इसी को लेकर आगे ये हादसा ना हो और हमने ये कदम उठाया है और हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि इस बीमारी को जड़ से ही खत्म करके ही दम लेंगे।